एल्गोरिथम को हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं एक वर्ड एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम क्या है इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 4 पर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी का एक चित्र दिया हुआ है बॉक्स में, और उस चित्र के साथ में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ एल्गोरिथम क्या है, वहाँ लिखा हुआ क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसको आप बुक से खोल के पढ़ सकते हैं। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है आप उसको समझ लीजिए। आपने देखा होगा कई बार कुछ काम करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिनको सीरीज में लिख दिया जाता है कि पहले क्या करें। जैसे आपको मैगी बनानी हो तो आप मैगी का जो पैकेट लेके आते हैं उसके ऊपर 2 से 3 इमेजेस में ये बताया जाता है आपको कि आपको कैसे मैगी बनानी है। सबसे पहले यदि आप इमेज में देखेंगे तो पहले क्या दिखेगा, एक बाउल में पानी दिखाई देगा आपको, फिर दूसरे में क्या होगा कि वो उस बाउल से भाप उठ रही होंगी और उसमें वो मैगी क्रश करके डाली जा रही होगी। तीसरे इमेज में क्या दिखाई देगा कि उसमें जो वो मसाला है वो डाला जा रहा होगा और उसको नीचे लिखा होगा 2 मिनट तक पकाएं। तो ये क्या है, एक सीरीज है किसकी, मैगी बनाने के स्टेप्स की, मैगी बनाने के स्टेप्स की एक सीरीज है। तो एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम भी एक सीरीज होती है क्या, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के स्टेप्स की है, यानी कि किसी समस्या को हल करने की के चरणों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। और इस बुक में भी यही जो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बोल के बताया, वो भी यही है। वो कुछ अलग मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है उसी को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है। ये लिख लेते हैं एल्गोरिथम क्या है। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, यूक्लिडियन डिवीजन की जो एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है उसको लिख ले रहे हैं। इसका स्टेटमेंट था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड r क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। मैं a और b क्या है, 2 नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर है 2, q r दूसरे 2 नंबर हैं, ठीक है। यदि इस नंबर को b से डिवाइड कर दे रहे हैं तो q क्या है, q कोसेंट है, यानी कि क्या भागफल है, और r क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, यानी कि a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल है। ये हम इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और इसके इसी तरह के जो इस क्वेश्चन को हमें करने के जो एग्जांपल, एक एग्जांपल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, और आज इस और अब इस एक्सरसाइज 1.1 के इन सभी क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बन रही है इस वीडियो के साथ। सबसे पहले इसमें क्या कहा है, इसने कहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आपको 135 एंड 225 दो नंबर दिए हुए हैं, तो मैंने आपको उस वीडियो में इसका मेथड बताया था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसी मेथड से सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है। 135 क्या है, छोटा है किससे, 225 से। सबसे पहले आप दोनों नंबर जो गिवन है उनमें से छोटा नंबर ले लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको आप क्या करेंगे, भाजक बना देंगे, ठीक है, यानी कि उसे डिवाइजर के रूप में लेंगे, और 225 हो जाएगा आपका डिवाइडेंड यानी कि भाज्य, और इसको आप डिवाइड करेंगे 1 स्टेप डिवीजन से। चलिए ठीक है, कितना आता है उसको हम लिख ले रहे हैं। ये एक बार चलेगा 135 में, बचा क्या 0, और यहाँ 22 में 13 गए 9, ठीक है, या 12 में से 9 3 गए 9, और यहाँ 1 1 की 0।
इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमने जो नंबर आया, जो शेषफल में नंबर आया, उस नंबर से इस भाजक वाली नंबर को भाग करना होता है। यानी कि इस नंबर को क्या बना देंगे हम, यहाँ भाज्य बना देंगे। 135 को भाग करेंगे 90 से, जो भागफल शेषफल आया है, ठीक है, करिए भाग। एक बार चलेगा 90 आया, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, 5 यहाँ बचा, 13 में से 9 गए तो 4 बचे हैं। इसके बाद फिर वही काम करेंगे ऊपर जो पहले किया है हमने, जैसे 135 को 135 यहाँ ले लिया था, 90 से डिवाइड किया था, अब की बार क्या 45 शेषफल बचा है और 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ भाज्य में ले लेंगे। 90 को हम 45 से भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा ये, 2 times चलेगा, 2 दो बार चलेगा, तो दो बार चलने से क्या आया ये 45 to 90। अब इस कंडीशन में, इस केस में क्या है कि घटाने पर क्या बच जा रहा है, 0। हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड उस तब तक करना होता है जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर क्या आया है, 0 आ गया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए हमें क्या करना था, एससीएफ ज्ञात करना था, किनका, 135 225। तो एससीएफ ज्ञात करते हुए इसमें जिस केस में क्या रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस केस में जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं वो ही क्या होता है नंबर, उन दिए हुए नंबर का SCF होता है, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों नंबर का SCF क्या है, 100, तो इन दोनों नंबर का SCF क्या है, 45। अब क्योंकि ये SCF निकालने की भाग विधि है जो आप पहले से पढ़ते आए ही हो पिछली छोटी क्लासेस में, अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम इसको लिखे कैसे, इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिख पाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इतना काम करने के बाद आपको एक स्टेप और लिखना होता है, करना होता है कि क्या करें, जो अलग अलग केसेस में डिवाइडेंड डिवाइडेड यानी भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल रहे हैं उनको इस तरह से लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इस तरह से बताया है, इसमें भाज्य क्या है, इसमें भाज्य है 225 भाज्य है, और भाग कितने से किया आपने, 135 से किया, और भागफल क्या आया आपका, 1 आया, और शेषफल क्या आया, शेषफल आया आपका 90। इस तरह से आप हर एक स्टेप में लिखते चलेंगे, इसमें 135 क्या है, भाज्य है, और 90 क्या है, 90 इसमें भाजक है, से भागफल क्या 1 आया, और शेषफल आया इसमें 45। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में 90 जो है भाज्य है और 45 भाजक है, शेष भागफल दो है और शेषफल क्या है, शेषफल है 0। तो बस आपने क्या करना है, इतना काम करने के बाद ये इसको इस तरह भाग विधि से हल करने के बाद दोनों नंबर को, और रिमाइंडर 0 आने तक भाग करने पर क्या करेंगे कि इसके बाद हर एक स्टेप में आप क्या करेंगे, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इस तरह इसको लिख लेंगे। ये बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य क्या है वो भाज्य लिखेंगे आप, भाज्य के बाद आप भाग किससे कर रहे हैं वो लिखेंगे, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। इसको मैं एक बार जो है इस तरह से भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, ये इसमें भाजक होता है, ठीक है, ये इसमें भाज्य होता है, ये इसमें भागफल होता है, और ये इसमें शेषफल होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसको ये जो थ्योरम लिखी हुई है इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको इस स्टेप लिखने में बहुत ही आसानी होगी यदि आपने ये चीजें समझ ली हैं, और बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है, आसान है, आप समझ सकते हैं, छोटी क्लासेज में आप करते हुए आए। तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सोल्व करने के लिए आपको इस तरह करने के बाद इन स्टेप्स लिख लेने हैं, और इसके बाद लिखने के बाद आप क्या बता देंगे कि जो आपसे क्वेश्चन किया गया था 135 और 225 और 225 का आपसे पूछा गया था SCF निकालना है, SCF क्या आया, तो SCF आया है आपका 45, ये आपका आंसर है, ठीक है।
इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। बाकी दो इसके दो क्वेश्चन हो रहे हैं। बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 का आपका एससीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इसके लिए आपने छोटा नंबर देखना है। इसमें छोटा नंबर क्या है, तो ये साफ साफ दिख रहा है 196 जो है छोटा स्मॉल है किससे, 38,220 से। तो हमने क्या करना है, हमने 196 से डिवाइड करना है किसको, 38,220 को। चलिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले कितने में चलेगा, वन टाइम चलेगा तो 196 आएगा, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचा 7, यहाँ से कैरी करेंगे 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, बचेगा 8। इसके बाद यहाँ इधर ये यहाँ कैरी हमने किया था तो यहाँ बचा 2 में से बन गया 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नीचे उतार लेंगे और ये हो गया 1,862। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें 196 का ही टेबल चलाएंगे क्योंकि अभी तक ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक इसको डिवाइड करेंगे पूरा जब तक डिवाइड ना हो जाए। अभी हमारे पास डिजिट है तो हमने 2 नीचे उतार लिया। इसके बाद ये कितनी बार चल रहा है, ये चल रहा है इसमें इसको यदि हम 200 एज्यूम करें तो ये 9 9 9 18 यानी कि 9 टाइम्स लगभग चल जाएगा। तो हमने 9 बार इसको चलाया और 9 की 196 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगी 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से कैरी किया 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ 5 हो गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसलिए हमने कैरी किया इधर, और 15 में 6 गया तो 9 बचा और यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने 0 नीचे उतारा और इसमें 196 में 980 में टेबल चलाया इसका। तो 196 में यदि आप देख रहे हैं तो ये लगभग 200 है और ये लगभग 1000 है, तो इसलिए कितने टाइम चल जाएगा, 5 टाइम चल जाएगा, ठीक है। और 5 टाइम चलाने के बाद 196 में ये आता है पूरा पूरा 980, ठीक है। इसके बाद इसको घटा ले रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है 0, यानी कि आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसको हमने वन टाइम ही हमने एक बार डिवाइड ही किया, एक ही बार में डिवाइड करने के बाद ही पूरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 196 से, तो रिमाइंडर आ जा रहा है 0। तो यानी कि इन दोनों नंबर का जो एससीएफ होगा वो क्या होगा, 196। अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके लिखना है, तो हम क्या करें, जैसे हम पहले करते आए हैं 195 इस वाले केस में भाज्य क्या रहा है, भाज्य रहा है 38,220 भाज्य था, और भाजक क्या था, भाजक था इसमें 196। भागफल क्या आया, भागफल आया इसमें, भागफल आया 195 और शेषफल बचा है 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है और इसका एससीएफ जो है दोनों नंबर का क्या आ गया, 196 और 38,220 का जो एससीएफ है वो आया है आपका 196। क्यों, क्योंकि 196 ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है 867 का और 255 का आपने एससीएफ निकालना है, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर इसमें 255 छोटा है किससे, 867 से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एल्गोरिथम का यूज़। तो हमने क्या किया, डिवीजन मेथड से सोल्व कर लिया, 255 से डिवाइड किया 867 को, डिवाइड कर ले रहे हैं हम। तो ये चलेगा कितनी बार, ये चलेगा 3 बार, 3 बार चलाया तो इसमें आया, ये आया 765, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 2 और 0 1। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है 102 से डिवाइड करना है किसको, पहले आपको समझ में आ ही गया है 255 को डिवाइड करना है। तो कितनी बार चल रहा है, 2 टाइम्स चल रहा है, तो ये आ गया 204 में हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 5, 51 आ गया। अब 51 से हमने क्या करना है, इसको डिवाइडेंड लेना है, ठीक है, भाज्य ले लेंगे इसको और भाग करेंगे इसको। तो 51 से 102 को डिवाइड किया तो कितनी बार चल रहा है, पूरा पूरा 2 टाइम्स चल जा रहा है,
तो ये आ गया आपका भाग करके शेषफल आ गया जीरो, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ गया। क्या समझाया आपने इस क्वेश्चन से, आपको समझ में आ गया है कि 255 एंड 867 का एससीएफ जो है वो क्या है, एससीएफ जो है इसका क्या है, जिस केस में रिमाइंडर जीरो आया है उस केस में जिस नंबर से भाग किया है वो इसका एससीएफ होगा। ये स्टेटमेंट जो है आप याद रख लें, इस बात को पूरे अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जिस केस में रिमाइंडर जीरो आएगा उस केस में जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं वही नंबर दिए नंबर्स का जिसका हमने स्टार्ट किया है उसका एससीएफ होगा। अब एक काम इसमें क्या रहता है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का यूजेज रहता है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर ले रहे हैं, हर बार हम कर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस केस में हम लिखेंगे, ठीक है, भाज्य क्या है इसमें 867 है, भाग किससे किया 255 से किया, कितनी बार किया तीन बार, शेषफल क्या बचा 102। इसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें भाज्य क्या है 255 है, भाग किससे किया इससे किया, कितनी बार किया दो बार किया, शेषफल बचा इसमें 51। और लास्ट वाले में 102 भाज्य है, ये भाजक है, भागफल दो है और शेषफल जीरो है। तो तीन स्टेप हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके लिख लिया है और इसका आंसर आपके सामने पहले ही लिख चुका हूँ मैं, 255 और 867 का एससीएफ क्या आ गया 51 आ गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है आपका। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, इसने कहा है आपको दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हमने वैसे तो वीडियो, इससे जो वीडियो फर्स्ट है इस एक्सरसाइज की पार्ट वन, उसमें एग्जाम्पल तौर पर समझा दिया है, ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपके सामने। वहाँ मैंने क्या कहा था आपसे, हमने क्या किया, सबसे पहले कोई संख्या मान ली, माना जो भाज्य है, भाज्य यानी कि धनात्मक पूर्णांक जो है धनात्मक पूर्णांक जो है वो हमने x मान लिया, यानी कि इस क्वेश्चन में भाज्य जो हो गया है जिसको भाग करना है वो क्या है, वो x है। भाग किसे करना है, यानी कि भाजक क्या है, भाजक है इसमें 6, ठीक है, 6 इसमें कहा है कि भाजक है, ठीक है, और भागफल क्या कहा है आपको, भागफल कहा है क्यू। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो लिख ले रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, उसको हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है, ए तो है एक्स, और बी जो सिक्स है वो क्या है, वो बी है, ठीक है, और भागफल जो है वो क्यू है ही है, ठीक है। तो हम जरा समझ लेते हैं इसको, तो जब हम x को 6 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आ जा रहा है q। अब x क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, x कोई भी संख्या हो सकती है, जब हम x को 6 से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या कोई भी हो सकती है, तो इस केस में भागफल, तो इस केस में शेषफल आने की संभावना क्या क्या है, आप एक बार जरा इसको ध्यान दे लीजिए। जब हम x को 6 से भाग दे रहे हैं तो इसमें शेषफल आने की जो संभावना है वो है 0, या तो ऐसी संख्या है कि जो 6 का मल्टीपल है, ठीक है, 6 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे कि हम 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा, शेषफल 0 आएगा, ठीक है। यदि हम 48 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर हो सकता है,
या ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है जिसको डिवाइड करने 6 को डिवाइड कर रहे हैं और सक्सेसफुल जीरो आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जो सक्सेसफुल आने की जो संभावना है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कारण क्या है, रीज़न इसका ये है कि जब हम इस एल्गोरिथम को लिखते हैं तो इसके साथ साथ एक ये चीज़ लिखी जाती है कि R जो है वो बड़ा है 0 से या बराबर है 0 के, और R जो है वो छोटा है B से। B क्या है, B वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और इस केस में B क्या है, 6 है। B क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसलिए R की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 5 तक वेरी करेगी। आई बात समझ में आपको, R क्या, क्योंकि 0 और 0 के बराबर होगा तो इसलिए 0 लिया हमने, और R दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम कि B से छोटा होगा, और B इसमें 6 है तो 6 से छोटा क्या नंबर होता है, 5 होता है। तो इसलिए क्या है, सक्सेसफुल जो आएगा लास्ट तक क्या है, संभावना जो है 5 तक ही होगी। तो जरा अब इसको जरा लिख ले रहे हैं, जब हम x कोई नंबर दूसरा लिया फिर हमने उसको 6 से डिवाइड किया, मान लिया भागफल जो है वो q ही आ गया, लेकिन सक्सेसफुल 1 आ रहा है। फिर थर्ड केस में हमने x को दोबारा 6 से भाग किया और भागफल q आया और सक्सेसफुल 2 आया। फिर हमने x को 6 से भाग किया, भागफल q आया और सक्सेसफुल 3 आया। फिर हमने x को 6 से भाग किया और भागफल q आया और सक्सेसफुल 4 आया। और लास्ट केस में जब हम x को 6 से भाग कर रहे हैं तो भागफल q और सक्सेसफुल 5 है। इस तरह के ये 6 केस आपके सामने बन रहे हैं। अब हमने क्या कहा, उसने पूछा हमसे, हमने उससे कहा है कि आपको सिद्ध करना, यानी प्रूव करना, शो करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। अब इसको किस तरह से डिफाइन करना है, जरा ध्यान दें आप इस वाले केस में, ठीक है। आपकी जो 6 केस हैं, इन 6 केसेस में आपको यह बताना है कि किस नंबर कौन, किस केस में नंबर सम होगा और किस में विषम होगा। एक बार हम सम और विषम की जो परिभाषा है उसको दोबारा याद कर लेते हैं। मैं बोल दे रहा हूं सम क्या होता है, सम वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, और विषम क्या होते हैं, यानी कि ओड नंबर क्या होते हैं, ओड यानी विषम, विषम ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से भाग नहीं होते हैं, वो नंबर 2 से भाग नहीं होते जिनको ओड कहा जाता है। तो इसमें हमें यह देखना है कि किस केस में ये ओड है, किस में इवन है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी 6 के मल्टीपल हैं तो वो 2 से भाग होंगे या नहीं होंगे, 2 से भाग हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, सभी क्या हैं, 2 से भाग हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये सब इवन नंबर है। इसके बाद जब हम 6 से 7 पे आ रहे हैं या 13 पे आ रहे हैं या 25 पे आ रहे हैं तो ये सभी नंबर क्या है, यानी कि उनमें सभी नंबर में 1 ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि जो कंप्लीट मल्टीपल है 6 का उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, वो ओड नंबर होगा, वो इवन नंबर नहीं होगा, वो ओड नंबर होगा। तो पहला क्या होगा, पहला होगा इवन, दूसरा होगा ओड, तीसरा होगा इवन, ये ओड होगा, ये इवन होगा और ये ओड होगा, ठीक है। इवन को हम बोलते हैं सम और ओड को बोलते हैं हम विषम। इन 6 के 6 केसेस को आप इस तरह से सॉल्यूशन में लिख के दिखा देंगे, ठीक है। और इसको ओड इवन को बताने के लिए आप इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू को कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। क्यू को क्या कहा उसने, क्योंकि उसने बोला भेजा क्यू क्या है, कोई पूर्णांक कोई भी नंबर ले लीजिए आप। क्यू को हमने 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इस तरह से आप क्यू की वैल्यू लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यू में बदल जाएंगे। यदि हम क्यू की वैल्यू 1 ले ले रहे हैं तो 6 की क्यू में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6+0 6 आएगा, 6+1 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आप खुद ही देख के बता पाएंगे कौन नंबर इवन है और कौन ओड है, ठीक है। यदि हम 2 लेंगे तो बता सकते हैं, 3 लेंगे, इस तरह से आप कोई भी नंबर रख के ओड इवन यानी कि सम और विषम संख्या को बता सकते हैं और इस तरह से भी बता सकते हैं। तो इसने ये कहा था कि कौन से धनात्मक पूर्णांक विषम होंगे, तो हमने ये चीज़ निकाल ली है कि कौन से विषम होंगे। तो आपके सामने कौन कौन से नंबर आ जा रहे हैं विषम, आप उसको इधर से लिख के यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो विषम नंबर कौन से हैं, विषम नंबर हैं
सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है। साथ साथ आप इसके ये भी लिख दीजिए कि इसमें सम कौन सा है, यानी कि इवन कौन सा है। इवन कौन सा है, सिक्स क्यू प्लस जीरो छोड़ दीजिए, ठीक है, सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस टू, सिक्स क्यू प्लस फोर, इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसने कहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो नंबर आपको दिए हैं और इसने पहले क्या कहा है उसको आप समझ सकते हैं। उसने कहा दो टुकड़ी हैं आर्मी की, दो समूह हैं आर्मी के, जिसमें एक में 616 सदस्य हैं, दूसरे समूह में 32 सदस्य हैं, और इसने ये कहा कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिनमें जिस नंबर में वे स्तंभ बनाएंगे और वे मार्च कर सकेंगे, वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या, ठीक है। आप छोटी क्लासेस में आप ये काम करते आए हैं, जब आपसे दो नंबर दे के अधिकतम संख्या पूछता है तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं उस क्वेश्चन से। उस क्वेश्चन का कंक्लूजन होता है कि आपको दिए हुए नंबर का एससीएफ निकालना है, दिए हुए नंबर का एससीएफ निकालना है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि इसमें अधिकतम संख्या लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, एससीएफ निकालना होगा। एससीएफ निकालेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, उसने जो पूछा है दोनों समूह के को समान संख्या में वाले स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ये हम फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए, तो आपके पास दो गिवन नंबर जो है वो क्या है, वो नंबर है आपके 616 और 32। तो सबसे पहले हम इसका डिवीजन मेथड से एससीएफ निकाल लेते हैं। इनमें दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर है 32, स्मॉलर है 616 से, तो 32 से हमने डिवाइड करना है किसको, 616 को। सबसे पहले ये वन टाइम चल रहा है और यहाँ बच जा रहा है 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, इसके बाद हमने 6 उतार लिया। 32 में अभी ये कितनी बार चलेगा, अभी ये चल रहा है कितनी बार, 9 टाइम्स हमने चलाया, तो ये 9 2 18 1 और 9 3 27 और 1 28, ये बचा है 6 2 8 बचा। अब रिमाइंडर्स में 8 आया तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इसमें 8 को लेंगे हम भाजक और 32 को लेंगे भाज्य, अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 4 बार चल जा रहा है इसमें और ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसलिए इन दोनों केस में जो एससीएफ है वो क्या होगा, 616 एंड 32 का जो एससीएफ है का एससीएफ होगा 8। चलिए, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कितने स्तंभ होंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो है 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या है 8, ये आपका आंसर है। साथ साथ इसमें आप जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं उसको उसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 616 को डिवाइड किया 32 से, 19 टाइम्स आया और इसमें जो रिमाइंडर है वो बचा 8। इसके बाद आपने 32 को डिवाइड किया 8 से और ये चला 4 टाइम्स और रिमाइंडर आया 0। इस तरह से पूरे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। हाय स्टूडेंट, क्या आप कर सकते हैं इन नंबर का स्क्वायर 5 से 10 सेकंड में।
अगर नहीं तो मैं विशाल पवार आपके चैनल न्यू गुरुकुल स्टडी पर आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो सीरीज मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। मैथ शॉर्ट ट्रिक्स में आप जानेंगे इस तरह की कैलकुलेशन को 5 से 10 सेकंड में करना। इस सीरीज में नए नए वीडियो आप तक शेयर की जाएंगी जिनसे आप सीख सकते हैं इस तरह की कैलकुलेशन को करना, वो भी 5 से 10 सेकंड में। तो कैसा रहेगा स्टूडेंट, इसके लिए बने रहिए आप न्यू गुरुकुल स्टडी चैनल पर। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपना ज्ञानवर्धन इस तरह से करते रहें।